नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के संबल में सर्वहित कल्याण मोर्चा संगठन ने माननीय राष्ट्रपति को भेजा 3 सूत्रीय ज्ञापन, जिसमें संगठन के विकलांग मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद वसीम की ओर से कहा गया, पूर्व संसार कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इससे विडंबना ही कहेंगे। आज हमारे भारत की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, दूसरी तरफ पड़ोसी देश चीन ने महामारी के चलते भारत पर नाजायज तरीके से आक्रमण करके हमारे 20 जांबाज शहीद कर दिए। इस कायरतापूर्वक आक्रमण को भारतवासी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है कि भारत की आंतरिक स्थिति को देखते हुए सही फैसला लेना होगा। इस समय भारत में 80% बेरोजगार हैं, समस्या आर्थिक स्थिति के लिए अच्छी नहीं है। महामहिम जी को चाहिए कि विदेशी वस्तुओं पर रोक लगाएं और स्वदेशी वस्तुओं पर करों में छूट देते हुए न्यूनतम मूल्य रखा जाना चाहिए। संबल संवाददाता कुमेल जैदी की रिपोर्ट। चीन ने जो हमला करा है भारत के ऊपर, जो 20 से ज़्यादा जवान हमारे ख़त्म हुए हैं, शहीद हुए हैं, उसी के विषय में हमने इसका बहिष्कार करा है। और इसकी जो वस्तुएं हैं, 80% जो वस्तुएं हैं भारत के अंदर, उसका भी हम बहिष्कार करते हैं, उसे भी हम नहीं खरीदेंगे। और हम गांव-गांव जाके, शहर जाके, फोन से, जैसे भी, सभी से मना करेंगे और कोई भी ये वस्तु नहीं खरीदे। और हमने आज माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है इसके विषय में कि हमारा चीन ब्याज समीर, जिससे हमारा जो भारत है वो चीन से ब्याज समीर के नाम में बदला ले। ये जो पुतला था ये किसका था? ये चीन के राष्ट्रपति का पुतला था जो हमने फूंका है।